नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य एक्सलेंट चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इतिहास से जुड़ी प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है जीपाल, बी है नॉर्मन बोरलॉग, सी है वान नील और चौथा है डॉक्टर मिथेल। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है, दो वाला ऑप्शन सही है इसका, नॉमेन बोरलॉग, ये है हमारा दो वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक खाली स्थान होता है। ऑप्शन है प्रतिरोधक, बी है सघनक, सी है प्रेरक और चौथा है ट्रांसफार्मर। तो हमारा जो चौथा आंसर है इसका, दूसरा का, वो है दो वाला ऑप्शन सही है, संघनक। तो ये दो वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? इसका ऑप्शन है फास्फोरस, बी है एंटीमनी और सी है आर्सेनिक और ये चौथा है एल्यूमिनियम। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, एल्यूमिनियम, ये चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन है उभयनिव भारत, आज़ाद हिंद सेना या रिवॉल्यूशनरी आर्मी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, अर्थात ये चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, 5.0 केल्विन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन है 273 सेंसियस और दूसरा है 273 सेंसियस और तीसरा है 0 सेंसियस और चौथा है 100 सेंसियस। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही है, -273 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन है इसका पानी, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस और अगला ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा है क्लोरोफिल। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा पानी, तो ये छठवां का ऑप्शन नंबर 1 सही है, पानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हेली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, अर्थात हेली उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही है, हेली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छित्र अंग वाली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बी है बचेंद्री पाल, सी है संतोष यादव और चौथा है प्रेमलता अग्रवाल। तो हमारा चौथा का ऑप्शन नंबर 1 सही है, अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हिंग बो सोन शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन है नैनो टेक्नोलॉजी अर्थात अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से, दूसरा है ओनकोलॉजी, तीसरा है गॉन पॉलिटिकल और चौथा है स्टेम सेल रिसर्च। तो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा नंबर, ये है गॉन पॉलिटिकल, ये तीसरा नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, किस वायसराय के कार्यालय के दौरान भारत की राजधानी कौन
कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? इसका ऑप्शन है लॉर्ड कोनिंग, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड लिंटन, चौथा है लॉर्ड क्वाय इल। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांसी के राजोद्येक थे? ऑप्शन है वासुमित्र, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है चरक और चौथा है पतंजलि। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा, नागार्जुन, अर्थात इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, चरक। तीसरा ऑप्शन सही है ये, चरक। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है जिला न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है संसद। तो हमारा 12वां का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा, उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन है गोल्डन वियर पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है गोल्डन पाडा पुरस्कार, तीसरा है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, चौथा है गोल्डन पॉस पुरस्कार। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोल्डन पाडा पाडा पुरस्कार, अर्थात दो वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, गैल्वेमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है इसका समांतर में उच्च प्रतिरोध, दूसरा है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, तीसरा है श्रेणी में अल्प प्रतिरोध और चौथा है समांतर में अल्प प्रतिरोध। तो इसका 14वां का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पहला क्रोमोस्फेयर, वर्णमंडल, दूसरा है मंडल, तीसरा है रेडियो एक्टिविटी जोन, चौथा है कोरोना किरीट। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा, कोरोना अर्थात किरीट। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।